नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनय आरपी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम आपको बताएंगे अगर आपका लोहा या सीमेंट शॉप है, या स्टील एंड सीमेंट शॉप इंग्लिश में जिसको बोल देते हैं, स्टील और सीमेंट शॉप, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे किस तरह से आपका स्टॉक, इन्वेंट्री, बिलिंग, अकाउंटिंग, आउटस्टैंडिंग और स्टॉक वगैरह सारा सॉफ्टवेयर में किस तरह से मेंटेन होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरह से आपकी कंपनी बनेगी, किस तरह से GST का सिस्टम बनेगा, सारी ही जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाते ही और एक आपको टैब खुलेगी, उस पर ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं जी। हमारा ये सॉफ्टवेयर है जी वन प्लस करके है, 3 से 4 दिन का इसका ट्रायल होता है, इसको आप चला के चेक कर सकते हो। आफ्टर दैट आप इसको परचेज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, ऊपर आपको आई बटन का पे शो हो रहा होगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड का लिंक, उस पर क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद जी आपके पास इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। कंटिन्यू करने के बाद क्रिएट अ कंपनी पे आप क्लिक कर दोगे। क्रिएट अ कंपनी पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास GST नंबर अवेलेबल है अपना, तो गेट आउट ऑफ पार्टी डिटेल में अपना GST नंबर डाल देंगे। जिस नंबर पार्टी डाल के आप एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली सारी आपकी कंपनी बन जाएगी, आपको मैनुअल डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया और बेस्ट फीचर जो है अपने सॉफ्टवेयर में, बहुत सारे और भी बड़े बड़े फीचर हैं, आपको जैसे जैसे वीडियो चलती रहेगी आपको बड़े बड़े फीचर्स के बारे में जानकारी देते रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे मैनुअली डाल देता हूँ, हरी सीमेंट स्टोर, एंटर प्रेस करेंगे जी। उसके बाद यहाँ पे अपने जनरल काउंटिंग करना है, एंटर प्रेस करके जो भी आपकी सिटी स्टेट है वो आपने फिल कर लेनी है। यहाँ पे अपनी स्टेट डालनी है, स्टेट डालना कंपलसरी है जी, एंटर करेंगे। बाकी ये मेरा मोबाइल नंबर है, कुछ आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसमें मेरे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। जो आप GST नंबर डालोगे तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल आ जाएगी। मैनुअल डालना है आपने, अपनी बैंक डिटेल डालनी है या कुछ भी, GST नंबर, एड्रेस वगैरह सारा कुछ डल जाएगा। कई बार यहाँ पे कन्फ्यूज है सर, इंजीनियर नेम और इसमें क्या डालना है, यहाँ पे आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट 11 होता है, अगर आपने चेंज करना है चेंज कर सकते हो, नहीं तो 11 ही रहने दे सकते हो। क्रिएट कंपनी में हम सिंपली क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे तो हमारी यहाँ पे कंपनी बन जाएगी। देखिए हरी सीमेंट स्टोर, लेटेस्ट हमारे फाइनेंशियल ईयर के साथ 1/4/2023 से 31/3/2024 तक ये हमारे सॉफ्टवेयर की जी बहुत ही बढ़िया मेन स्क्रीन ओपन हो गई है। राइट हैंड साइड आप देखेंगे अकाउंट आइटम, सेल, परचेज, क्यूक, पेमेंट स्लिप, बैंक एंट्री, जर्नल एंट्री, POS, GST वाउचर, सारे ही मोस्टली बहुत ही बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर और मॉड्यूल्स वगैरह लगे हुए हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं अपने आइटम कैसे बनाने, जैसे आपका सीमेंट है, स्टील है, या वाइट सीमेंट है, या किसी भी टाइप की आपकी आइटम है, वो किस तरह से आपने बनानी है। पहले यहाँ से थोड़ी सी मैं एक सेटिंग ऑन कर देता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे जी सब आइटम मास्टर में, यहाँ पे हमने एक ऑन कर लेना है हमारा साइज का, जैसे आपके कौन कौन से साइज हैं, जैसे 16 इंची 11 इंची 12 इंची आपने अलग अलग काट के अपने जो है लोहा या सरिया रखा होता है तो अपने यहाँ पे डालना है। स्टील के आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, वो भी अपने यहाँ पे डाल के इसको कर लेना है आपने। उसके बाद यहाँ पे जिसको कर देना है हमने अप्लाई, ओके कर देंगे। न्यू पे जाएंगे जी आप, न्यू पे जाके यहाँ पे आप अपने आइटम डालेंगे, स्टील या सरिया जो भी है, एंटर प्रेस करके कितना उस पर GST है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एंटर करके उसके बाद आप इसको KG में सेल करते हैं तो KG सिलेक्ट करके हम एंटर करके आ जाएंगे। तो हमें सबसे पहले पूछेगा मेंटेन बैच, इसके अपने स्पेस बार पे टिक करके एंटर कर देना है कितना साइज है हमारे, जैसे हमारा 12 इंची है तो आपने 12 इंच डाल लेना है यहाँ पे, 12 इंच डालेंगे। एंटर करके जो भी आपका परचेज और सेल प्राइस है यहाँ पे आपने डाल लेना है, ठीक है जी। सेल प्राइस जैसे हम कुछ भी मैनुअली वैसे ही डालते हैं 150, इसका पर केजी का रेट है 150, 150 रुपये केजी का, ठीक है जी। एंटर करके उसके बाद 16 इंची है, सारे आपके यहाँ पे 1/1 करके बन जाएंगे जी, इसका क्या रेट है, इसका ये रेट है, जो भी आपके रेट होंगे मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, इस कारण जो भी है आप यहाँ पे अपने प्राइस वगैरह डाल सकते हो। इसको हम सेव कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम सीमेंट बना लेंगे जी अपने, एंटर करेंगे सीमेंट ये बन जाएंगे कितने परसेंट है, ये हमारा एक वो होती है इसका बैग होता है इसका, तो इसको सेलेक्ट करने है पीस में सेलेक्ट करेंगे। एंटर करके जी मेंटेन बैच कर लेंगे। साइज में यहाँ पे आपका अलग अलग कंपनी का, अलग अलग कंपनी का, जैसे जी बिरला कंपनी का है उसका कितने की बोरी है, जो कितने की बोरी है, आपकी अलग अलग आइटम को बचाने के लिए ये सिस्टम किया है ताकि आपकी आइटम ज़्यादा ना बने और आपका ज़्यादा सॉफ्टवेयर लोड में भी ना आए। बिरला कंपनी का है जी, या कोई अल्ट्राटेक कंपनी का है, जो भी ये कंपनियों के आपके अलग अलग हैं सारी कंपनी के, यहाँ पे आप रेट वगैरह चलाओ ताकि आप सीमेंट जब सेलेक्ट करो ऑटोमेटिकली आपके पास वहाँ पे ऑप्शन खुल जाए। इस तरह से जो भी आपकी आइटम है यहाँ पे 1/1 करके बन जाएंगी। बैच नहीं बनाना है आप किसी आइटम का, बैच नहीं भी बना सकते हैं, नो इशू। जैसे हम कोई भी एक वाइट सीमेंट करके बना लेते हैं, वाइट सीमेंट करके है, एंटर करेंगे, इसके हमने नहीं बनानी है, बैच मत बनाओ जी आप, सिंपली कर लो वाइट सीमेंट आप।
टाइप का है, तो आप वहाँ पे उसके अलग अलग बैच बना सकते हो, अलग अलग उसके टाइप बना सकते हो। ये यहाँ पे हमारी आइटम बन के हमारे पास शो हो गई है, जो भी परचेज एंड सेल प्राइस डालना है आपने डाल के रख सकते हो। सबसे पहले क्या होता है जी, हमने परचेज करना है अपने डीलर से, तो हम परचेज में जाएंगे जी, न्यू पे जाएंगे यहाँ पे आपने एंटर करना है। आप कैश या क्रेडिट में खरीद रहे हो वो यहाँ पे आपने डाल देना है। जैसे हम क्रेडिट पे खरीदे, किससे खरीद रहे हैं जी, विनय से खरीद रहे हैं। एंटर करके जी यहाँ पे पूछेगा आपने इसका अकाउंट क्रिएट करना है, यस कर दोगे, एंटर करके आपके पास सेव हो जाए, सेव कर देना है। अगर आपके पास इसका जीएसटी नंबर है तो ऑटोमेटिकली जीएसटी नंबर डालोगे, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी सॉफ्टवेयर में, आपको बार बार भरने की जरूरत नहीं है। एंटर करके जी हम यहाँ पे सीमेंट पे एंटर करेंगे, तो हमसे पूछेगा कौन सा हम खरीद रहे हैं, बिरला का खरीद रहे हैं, अल्ट्राटेक का खरीद रहे हैं। अल्ट्राटेक का खरीद रहे हैं कितने जी, 10 बोरी खरीद रहे हैं हम। क्या रेट पे खरीद रहे हैं जी, हम 1500 रुपये पे खरीद रहे हैं। एंटर करके ऑटोमेटिकली उस पर जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद एंटर करके जी हम व्हाइट सीमेंट खरीद रहे हैं, कितने 100 पीस खरीद रहे हैं जी, व्हाइट सीमेंट का कितने रुपये पे खरीद रहे हैं जी, अब जी 150 रुपये का एक पैकेट जो है उस पर खरीद रहे हैं। एंटर करके जी हम इसको सेव कर देंगे। इस तरह से जो भी आपकी परचेज की एंट्री है सारी आपकी यहाँ पे चढ़ जाएगी। उसके बाद आपने परचेज अपना स्टॉक चेक करना है, यहाँ पे हमारी स्टॉक रिपोर्ट लगी हुई है जी, ओके कर देंगे, आपके पास टोटली स्टॉक शो हो जाए कितना कितना आपका स्टॉक है। अगर आपने चेक करना है बिल का, बिरला का कितना है, अल्ट्राटेक का कितना है, तो हमारी वो स्टॉक रिपोर्ट यहाँ पे एक दूसरी लगी हुई है, स्टॉक समरी में जाएंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे आपको टूट दिखा देगी, बिरला का इतना स्टॉक पड़ा है जी, देखिए क्लोजिंग स्टॉक बिरला का इतना है, अल्ट्राटेक का इतना है, ठीक है जी। उसके बाद आपको व्हाइट सीमेंट का इतना है, सारा ही आपको आपके बैच के वाइज स्टॉक दिखा देगा प्रॉपर। उसके किसी कस्टमर को आप सेल करते हो तो सेल में जाना है जी, आपने न्यू पे जाएंगे, कैश खरीद रहे तो कैश कर दोगे, क्रेडिट खरीदे तो क्रेडिट कर दोगे। अभी नाम का एक बंदा है जी, वो आपसे उधार लेके जा रहा है, वो बोल रहे सर कोई बात नहीं जी, अभी तो हमारा सामान लेके जाएंगे तो उधार चलेगा ही। एंटर करके उसका हमने अकाउंट बना लेना है। एंटर करके जी हमें वो सीमेंट लेके जा रहा है, देखिए यहाँ पे आपको दिखा भी देगा कि बिरला का स्टॉक 10 पड़ा है और अल्ट्रा का स्टॉक 10 पड़ा है, सॉरी बिरला का स्टॉक हमारे पास है नहीं, अल्ट्रा का दे रहे हैं जी, कितने जी 5 बोरी दे गया हमसे, ऑटोमेटिकली प्राइस आ जाएगा जी इसका, सारा ही सिस्टम ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सेव पे क्लिक करोगे जी, ओके करोगे, यस करोगे, बहुत ही बढ़िया बिल फॉर्मेट बन जाएगा जी। बिल फॉर्मेट के रिगार्डिंग आपने कुछ उसमें चेंज वगैरह करवानी है, वो भी सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। एक और मैं आपको बाय डिफॉल्ट जो हमारा है बिल का फॉर्मेट वो उस पर आपको दिखा देता हूँ। पर व्यू पे आप क्लिक कर दोगे, इस तरह का आपके पास फॉर्मेट बन के आ जाएगा जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है। फॉर्मेट के रिगार्डिंग आपने कुछ फॉर्मेट में चेंज करवाना है, ऐड करवाना है, कोई लोगो वगैरह लगाना है, सारा ही सिस्टम हो जाता है। आपने जीएसटी का सिस्टम करना है, विदाउट जीएसटी करना है, कच्चे पक्के का काम करना है, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। जिस टाइप का भी करना होगा सारे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हो जाते हैं। आप एक बार हमें जरूर संपर्क करिएगा। बाकी कुछ किसी का आपने पेमेंट रिसीव करना है, किसी को पेमेंट पे करना है, तो क्विक पेमेंट पे जाएंगे, जो हमने अपने विनय नाम के सप्लायर से सामान खरीदा था उसको पैसा देना है। यहाँ पे अपने विनय डालोगे, एंटर कर दोगे, ऑटोमेटिकली दिखा देगा उसको 33,450 रुपये देने हैं। 25,000 रुपये देके एंटर करके उसको हम सेव कर देंगे, ओके हो जाएगा जी। स्केप दबाते स्केप से बैक आ जाता है। उसके बाद ये हमारी लॉग बुक होती है, लॉग बुक का मतलब हिसाब किताब, हमने देखना है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, किसको कितना दिया। एंटर करके ओके कर दोगे, टोटल दिखा देगा कि विनय को 33,450 रुपये हमने सामान लिया था, 25,000 दे दिए तो 8,450 रुपये बच गए। तो उसके बाद हमने अपना कैश का देखना, हमने कैश किस किस को दिया, यहाँ पे कैश का आ जाएगा, वाउचर पूरा प्रॉपर आपको रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपने किससे पैसा लेना है जी, तो क्विकर शिफ्ट ऑप्शन होती है। क्विकर शिफ्ट का मतलब होता है पैसे लेना, पेमेंट का मतलब होता है पैसे देना। अभी था जी अभी हमसे 13,570 रुपये का सामान लेगा, वो बोला कोई बात नहीं भाई साहब, 5,000 रुपये जमा कर लो, बाकी कर लेंगे, ओके करके इसको हम सेव कर देंगे। इसका भी प्रिंट वगैरह निकालना, प्रिंट निकल जाता है, व्हाट्सएप हो जाता है, ईमेल हो जाता है, पीडीएफ बन जाती है, सारा ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर लगा हुआ है जी। अभी हम दोबारा जाएंगे लॉग बुक में जाके अभी का देखेंगे और हमारा कैश का देखेंगे, तो आपको डिफरेंस नजर आ, देखिए अभी का हमने 13,570 था, 5,000 आ गया, 8,570 रुपये उसके बच गए हैं। उसके बाद हम कैश देखेंगे हमारा, एंटर करके ओके, कैश में दिखा देगी 25,000 जी हमारा कैश क्या था और 5,000 हमारे पास आ गया, अभी 20,000 हमारा माइनस में चल रहा है। इस तरह से टोटली ही सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया सिस्टम है। बाकी आप सॉफ्टवेयर को चलाइए, चेक करिए, किसी भी टाइप के आपको सॉफ्टवेयर को चलाने में परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमारी टीम को जरूर संपर्क कर सकते हैं। आप मेरा जो नंबर है आप उस पर संपर्क करिएगा, 3-4 दिन का हमारी टीम आपको ट्रायल देगी, आप चला के चेक करिएगा। बहुत ही बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट्स हैं आपके, मतलब की रिपोर्ट होंगी जीएसटी के वगैरह के रिगार्डिंग, सारी जीएसटी रिपोर्ट्स बन जाती है, GSTR 1, 2, 3 भी सारी रिपोर्ट बन जाती है, GSN फाइल वगैरह भी बन जाती है। सॉफ्टवेयर को चलाइए, चेक करिए। आज के लिए इतना ही, बन गया हमारे चैनल के साथ, थैंक यू जी, शुक्रिया।